For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान्स बॉक्स ऑफिस पे गेम चेंजर्स माने जाते हैं, मगर ये साल उनके लिए कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं रहा। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म माने जाने के बावजूद सलमान खान की फिल्म रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और फिर बारी आई मच एंटिसिपेटेड फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की, जहाँ सभी आमिर खान को देखना चाहते थे। अफसोस, इस फिल्म में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और परफेक्शनिस्ट आमिर खान की कम्बाइंड प्रेजेंस के बावजूद ये फिल्म नहीं बच पाई और सभी इस फिल्म से काफी निराश हुए। अब सबकी नजर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो पर है, जो कि गेम बदल कर इस जिंक्स को तोड़ सकती है। मगर इस प्रेशर ने किंग खान को भी चिंता में डाल दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म जीरो को प्रमोट करते वक्त उन्होंने कहा, बॉक्स ऑफिस अब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। मैं कुछ बदल तो नहीं सकता, मगर अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो अगले 6 से 10 महीनों तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। अब हालांकि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, फिर भी हमें एक और दिन तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि हमें इस फिल्म की एक्चुअल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट का पता चले। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई और इंटरेस्टिंग टिडबिट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।